जिंदगी का एक और सुनहरा दिन और आप लोगों के सामने मेरा ये ब्लॉग, तो पूरा देखें एंड तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे सरकार। तो गाइज, आज का चैलेंज हम पूरा करेंगे। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं 100 वीडियो लगातार बनाने वाला हूँ इस चैनल पर। जब कुछ सोच लेते हैं तो काम हो जाता है। तो आइए आपको मैं घुमाता हूँ अपना यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है और कितना ठंडा हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ओस पड़ रही है गाइज, मतलब लिटरली जो ओस की बूंद होती है मेरे मोबाइल पर भी गिर रही है, क्योंकि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ वीडियो ये। और आप देख सकते हैं मेरे आसपास कितना कोहरा है, वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुंध बहुत है। इतनी धुंध है कि आप बाइक लेके निकलोगे या कार लेके निकलोगे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा सामने का। मैं कहाँ से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जिला बिजनौर से हूँ। और गाइज, अगर ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहा रोज़ तो मेरा दो चीज़ मुझे लगता है अच्छी हो जाएंगी। एक तो मेरा कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे वीडियो क्रिएट करते हुए, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भाई का बाइसेप्स का इंच तो बढ़ा दिया है तुम्हारे भाई ने, उसकी बात किसी और दिन वीडियो में करेंगे। देखिए, बाइसेप्स का इंच हो गया, 15 इंच का बाइसेप्स है। और मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो उसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा आपको। बट अभी जो मेरा चढ़ा हुआ है ना पैशन, वो व्लॉगिंग को लेकर के थोड़ा हाई है, बॉडी बिल्डिंग से भी। तो इसलिए हम इसे ज़्यादा प्रोफेंस दे रहे हैं, व्लॉगिंग ही कर रहे हैं, व्लॉगिंग ही करेंगे अगले 100 दिन तक। उसके बाद हम अपने आप को देखेंगे हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्या 100 दिन पूरे कर पाता हूँ या नहीं, सबसे बड़ी मिस्ट्री सिर्फ ये है इस वक्त। तो अभी हम फ़िलहाल कुछ सिनेमेटिक शॉट आप देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। हवा बहुत तेज है, पर हवा बहुत तेज है, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, पूजा भी करते हैं और उसके बाद हम नाश्ता खाएंगे। तो पहले पूजा कर लेते हैं। रेडी होता हुआ और गरम गरम छुका हुआ साग, पराठा और एक गिलास चाय, और क्या चाहिए। नाश्ता रेडी है हमारा, अब नाश्ता करने बैठ गया हूँ, और नाश्ता करने के बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये है मम्मी की रिपोर्ट, और मम्मी का मतलब ब्लड टेस्ट लेने आया, मतलब ब्लड सैंपल लेने आ रहा है लड़का। तो मम्मी की होगी रिपोर्ट होगी HbA1c और एक LFH, मतलब आपकी किडनी से ले गए यूरिन वगैरह और आपका शुगर लेवल सब चीज टेस्ट होंगी इस टेस्ट में। तो ब्लड ले जाएगा वो लड़का, मम्मी फिर ड्यूटी पर चली जाएंगी। तो उसके बाद हम मिलते हैं शाम तक की हमारे, क्या हम उत्तमबाजी करते हैं इस ब्लॉग में वो आपको देखने में मिलेगी। तब तक मेरी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को अपने भाइयों तक पहुंचाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर होंगे हमें उतनी ज़्यादा सपोर्ट और सब्सक्राइबर गेन होंगे, हमें जल्दी से जल्दी इस पर 10K करने हैं। चुके हैं 5 गाइज, हम आ चुके हैं अपने जिम में, और आज लगाएंगे बहुत शानदार एक्सरसाइज, शोल्डर प्रेस और शोल्डर की एक्सरसाइज लगाएंगे मैं और मेरा दोस्त, इसका नाम अभिषेक है। तो आइए जिम के मज़े लीजिएगा। तो गुड इवनिंग गाइज, अब हो चुकी है शाम, अब मैं शाम की पूजा करने के बाद थोड़ा बाहर घुमा कर लाता हूँ आपको, बने रहिएगा वीडियो पर। और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें इस ब्लॉग को। तब तक मैं पूजा कर लेता हूँ और आप इतना वीडियो के मज़े लीजिए। एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, तो गाइज हम बाहर चलते हैं घूमने, और बॉडी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज ये तो जा रहा है चौमिन खाने, और मैं भी जिम मार गया हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ये हमारा है नहटौर का रास्ता, जो कि मेन चुंगी कहलाया जाता है, नहटौर की पीर की चुंगी, और ये पीर की चुंगी है। और इसके बाद ये देखिए, पहले नज़ारा लीजिए नहटौर का, मुस्कुराइए आप नहटौर में हैं।
यहाँ से हम कुछ खाने का देखते हैं। अब देखते हैं खाने का, ये देखता है उसके बाद मैं दिखाता हूँ पार्क आपको। तो ये कबाब ने बांध दिया, मज़ा जायका आ गया कसम से भाई साहब। अब चल रहे हैं पार्क में, उसके बाद घर। ये एंट्रेंस गेट है, स्कूटी हमने यहाँ खड़ी कर दी है और कुछ लोग हैं पार्क में। आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ का, कुछ इस तरीके का नज़ारा है आप लोगों के सामने, नाइट व्यू। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं और इधर हमारी स्कूटी खड़ी है, इधर भाई है, और क्या चाहिए, रात में शांति चाहिए, पीस चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइज। अगर अभी आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही 10,000 सब्सक्राइबर हमें पूरे करने हैं फरवरी के मंथ में। थैंक्स टू एवरीवन।